हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। हमने आज बनाया है रसमलाई केक, और वो भी हमने बनाया है गेहूं के आटे से, बिना अवन के। हमने इस केक को कढ़ाई में बनाया है, और मैं आशा करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम ये रसमलाई केक इसमें बनाने वाले हैं कढ़ाई में, और अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है, और ये होल जो है ढक्कन का उसे मैंने बंद कर दिया है। और हम इसे अब मीडियम तेज़ आंच पे प्रीहीट करेंगे 7 से 10 मिनट के लिए। यहाँ मैंने एक 6 इंच का टिन लिया है, और उसे मैंने नीचे थोड़ा बटर से ग्रीस किया था नीचे और साइड्स में, और अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। और आप पार्चमेंट पेपर के बदले आप पूरा इसे बटर या ऑयल से ग्रीस कर सकते हो, और थोड़ा मैदा आप छिड़क सकते हो। सबसे पहले एक बड़े से बोल में हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड कंडेंस मिल्क। के बाद हम डालेंगे 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। अब ये मैंने जो मक्खन लिया है, बटर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो आपको इसमें 1/4 चम्मच नमक डालना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये पिघला हुआ मक्खन। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये केक हम रसमलाई केक का बेस के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें इलायची का इस्तेमाल करेंगे या बादाम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं बादाम पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें इलायची भी है। अगर आपके पास बादाम एसेंस है या इलायची का एसेंस है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप सिर्फ इलायची का कूटा हुआ पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो। ये 1 टीस्पून है। अगर आप इलायची पाउडर डाल रहे हो तो सिर्फ 1/2 टीस्पून डालें, और अगर एसेंस डाल रहे हो तो 1/2 टीस्पून एसेंस डालें। और आप इस बेस के बदले आप वेनिला का बेस भी बना सकते हो। और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गेहूं के आटे को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम गेहूं का आटा, और अगर आप कप में नापोगे तो 1 कप में से मैंने 2 टेबलस्पून मैंने गेहूं का आटा निकाल लिया है, मतलब 1 कप से भी 2 टेबलस्पून कम है। और गेहूं का आटा लेंगे हम, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा, और इन तीनों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। अब इसमें हम डालेंगे सोडा। यहाँ पे मैंने सोडा लिया है, और हम 1/2 कप सोडे का इस्तेमाल करेंगे। सोडा अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप 1/2 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो बैटर बनाने के लिए। इसमें हम ये 1/2 कप सोडा डालेंगे, और हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल भी इसमें नॉट्स नहीं है, गांठे नहीं है, स्मूथ बैटर बना लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। और अब हम इसे टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर हमने केक टिन में डाल दिया है, और 1-2 बार हम इसे ऐसे पटकेंगे जिससे एयर बबल सारे निकल जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, और हमारी ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है, और अब हम ये केक टिन इसमें रख देंगे, और इसे हम ढक देंगे। और गैस की फ्लेम हम बहुत ही धीमी रखेंगे, और धीमी आंच पे हम इस केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे, या जब तक हमारा टूथपिक या नाइफ़ क्लीन नहीं आता तब तक हम धीमी फ्लेम पे इसे बेक करेंगे। आप चाहो तो ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हो, या आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे बेक करने के लिए। 30 मिनट हो गए हैं, और हम
हम ओपन करके एक बार चेक करेंगे। आप देख सकते हो केक तो अच्छे से फूल गया है। एक बार मैं ये टूथपिक भी स्कीवर अच्छे से क्लीन आया है। ये केक अभी हल्का ठंडा हो गया है, इसे अब हम अनमोल्ड करेंगे। अनमोल्ड करने के लिए नाइफ से पहले हम इसके साइड्स लूज करेंगे। केक हमारा बहुत अच्छे से अनमोल्ड हो गया है और आप इसका स्पॉन्जीनेस भी देख सकते हो। आप नहीं बोलोगे कि ये हमने गेहूं के आटे से बनाया है। और इसे अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आइसिंग करने से पहले हमें हमेशा केक को अच्छे से ठंडा कर लेना है। हमारा ये केक अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे अब हम कट करेंगे, स्लाइस करेंगे। ये ऊपर का जो थोड़ा डोम पार्ट है उसे हम हटाएंगे। आप देख सकते हो केक का स्पॉन्ज और इसके आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसके 3 स्लाइस किए हैं और डोम को पकड़ के 4। आप चाहो तो डोम को इसमें बीच में इंसर्ट कर सकते हो या आप बाजू में निकाल के रख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है जो केक के आइसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड फॉर्म में आती है जिसे हमने फेट के ऐसे कंसिस्टेंसी में बना लिया है। रसमलाई केक है तो रसमलाई तो हमें चाहिए होगी और ये मैंने घर पे बनाई है और इसकी रेसिपी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आपको जितनी क्रीम चाहिए उतनी आप साइड में निकालें और उसमें मैं डालने वाली हूँ लेमन येलो फूड कलर के 2 ड्रॉप्स। जो रसमलाई का कलर होता है हमें वो चाहिए इसके लिए। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ली है और मैंने ये शेप वाला नोज़ल लिया है। आप कोई भी नोज़ल ले सकते हो और हम इसमें अब क्रीम भर के रेडी करेंगे। 3 पार्ट में से मैंने एक पार्ट लिया है और जो सबसे केक का नीचे वाला जो पार्ट था वो हम टॉप में लाएंगे, तो इसे मैं अब साइड में रख दूंगी। और अब हम इस पे ये जो रसमलाई का दूध है उससे हम इसे सोक करेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से भिगो लेंगे। इसे सोक करने के बाद ऊपर हम क्रीम का एक लेयर लगाएंगे। फैला देंगे हम इसे। ये जो रसमलाई है उसके पीसेस भी हम इस पे तोड़ के डाल देंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम डालेंगे। अब इस पे हम हमारा ये दूसरा लेयर रख देंगे। और इसे भी हम पहले दूध से भिगोएंगे फिर क्रीम और रस मलाई। इसी तरह से हम टॉप लेयर तक आ जाएंगे। इस टॉप पार्ट को भी हम थोड़े दूध के साथ सोक लेंगे। केक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है और इसे अब हम फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। हमने इसे केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लिया है, अब हम आगे के डेकोरेशन करेंगे। अब मैं रसमलाई लूँगी और रसमलाई को केक पे रख दूँगी। यहाँ मेरे पास फ्लावर पेटल का नोज़ल है,
और उससे हम ऐसे फ्लावर्स बनाएंगे। यहाँ मेरे पास पिस्ता के कुछ स्लाइस है और उससे अब हम डेकोरेशन करेंगे। साइड में भी हम लगाएंगे। पिस्ता हमने साइड में और ऊपर लगाया है। अब हम गुलाब की पंखुड़ी से इसका डेकोरेशन करेंगे। हमारी गुलाब की पत्ती का डेकोरेशन भी हो गया है और हमारा ये केक रेडी है। इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर आप इसे सर्व कर सकते हो। हमारा रस मलाई केक तैयार है और मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।